नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडिल्य। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मंगलवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। आपको बता दें कि ऑटो और बस की टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई, वहीं हादसे के कारण काफी देर तक जाम भी लगा रहा। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। बता दें कि मरने वाले लोगों में ऑटो ड्राइवर और ऑटो में बैठी 12 महिलाएं शामिल हैं। सभी महिलाएं रात को आंगनवाड़ी में स्कूली बच्चों के लिए खाना बनाकर लौट रही थी। 9 महिलाओं और ऑटो ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 महिलाओं को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें भी मृत घोषित कर दिया गया। ऑटो ग्वालियर के मुरैना रोड पर चमन पार्क की तरफ जा रहा था, जबकि बस मुरैना से ग्वालियर आ रही थी। हादसा आनंदपुर ट्रस्ट अस्पताल के सामने हुआ है। बताया जा रहा है कि बस और ऑटो की आमने सामने टक्कर हुई। वही चश्मदीदों ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाली सभी 12 महिलाएं 2 ऑटो से लौट रही थी। इनमें से एक ऑटो में सिर्फ 3 सवारी बैठाने की कैपेसिटी थी, लेकिन 6 बिठाई गई थी। रास्ते में एक ऑटो खराब हो गया, तब इसमें बैठी 6 महिलाएं साथ चल रहे दूसरे ऑटो में बैठ गई। इस तरह एक ही ऑटो में 12 सवारी हो गई। उन्होंने तय किया था कि पुरानी छावनी से दूसरे ऑटो कर लेंगे, लेकिन शायद मौत ने ही उन्हें एक ऑटो में किया था। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। उन्होंने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बहुत ही दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई है। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक